Hello everybody and welcome to your own YouTube channel. My name is Shreyansh. फेस्टिव सीजन के दौरान नकदी की ज़्यादा ज़रूरत होती है. ऐसे में तमाम मीडिया रिपोर्टर्स की खबरें आ रही हैं कि 2000 रुपए के नोट एटीएम से धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं. खबर है कि इसकी शुरुआत देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई से हो गई है. दरअसल पिछले 2-3 दिन से ऐसी खबरें चल रही हैं कि आरबीआई के निर्देश पर एसबीआई के छोटे शहरों और कस्बों में मौजूद एटीएम में से 2000 रुपए के नोट रखने के स्लॉट हटाए जा रहे हैं. इस स्लॉट की जगह बैंक 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए के स्लॉट बढ़ा रहे हैं. एक तरह से खबर यह है कि एसबीआई छोटे शहरों में 2000 के नोट को बंद करने के लिए चरणाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं. रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि आम लोगों में अफवाह न फैलाया जाए कि सरकार 2000 रुपए का नोट बंद कर रही है, इसलिए इसे धीरे धीरे एटीएम से हटाने की तैयारी की जा रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल एसबीआई ने उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल से इसकी शुरुआत हो गई है. खबर में एसबीआई के एक सीनियर अधिकारी का हवाला दिया गया है. इसमें कहा गया कि करीब एक साल से एटीएम में 2000 रुपए का नए नोट नहीं डाले गए हैं. धन्यवाद. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें.